हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए, टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगे आपके लिए, क्या एक्शन वो लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी एंड देन उनका एक्शन क्या होगा। तो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप पहुंचे आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कैसी फीलिंग्स रहेंगी। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ मिरेकल गिफ्ट। ओ माई गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तीनों ही कार्ड कितने पॉजिटिव हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहां पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 10s आर हियर। टू टेंस, ओ माई गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स और द हेरोफेंट। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। टेम्परेंस, ओके, गुड कार्ड इज हियर। ओके, टेम्परेंस और द मून, ये अच्छे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, ले लेते हैं इन्हें भी। तो फीलिंग्स कैसी रहेगी यहाँ पर ना, सबसे ज्यादा फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, कैंसर भी दिख रहा है। ओके, वैसे तो मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो सभी के लिए है। लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स रहेंगी, किस ग्रुप के लिए मैसेजेस देंगे। फिलहाल तो गाइज देखो, आप दोनों के बीच में ना फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। आप में से ज्यादातर लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं। फैमिली कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी लव लाइफ में, इफ यू आर मैरिड। यस, अगर आप मैरिड है ना, तो आपकी लव लाइफ में जो मेन ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है ना, वो आपकी फैमिली से ही हो रहा है। और फैमिली की वजह से इतनी अच्छी लाइफ थी आपकी, मे बी आपके बच्चे भी हों, लेकिन फिर भी आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, जो कि आपकी लाइफ में बहुत और बहुत लड़ाई झगड़े से गुजरे हैं आप, और मे बी अभी भी होते हैं। तो इसीलिए ना आपके पार्टनर सोचते हैं कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, करें क्या, किसकी साइड लें। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अब इस पर्सन के साथ अगर आपकी फैमिली बन गई है, बच्चे भी हैं, तो अब इसको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपका फ्यूचर है। और गाइज, आपको भी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब आप अगर दूसरों की बातें सुनकर अपनी रिश्ते में परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर गलती इसमें आप ही की है। अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए, बच्चे नहीं भी हैं तो इस कनेक्शन का फ्यूचर देखिए। इस कनेक्शन में देखिए आप क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा क्या योगदान आप दे पाएंगे जिससे कि आपकी लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइफ आप आगे लीड कर सकें। इस चीज पर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। आपके इस रिश्ते में कुछ सुधार हो सकता है अगर आप चाहें तो, आपके पार्टनर हो सकता है इनिशिएट लें और ये पर्सन आपको एक चांस दें कि फिर से शुरू करते हैं और फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर फिर अब लड़ाई झगड़े मत करना और दूसरों की बातों में आकर पजल नहीं होना है और अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, अगर ये पर्सन आगे से एक्शन लेते हैं तो, ठीक है। ये तो हो गई मैरिड की बातें। अगर आप मैरिड नहीं हैं, एक डिवाइन कनेक्शन में है, जैसे कि यहाँ से निकल कर आया विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो गाइज हालात ट्रिकी तो अभी भी दिख रहे हैं। ये पर्सन कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन जब भी सोचते हैं तो ना एक नेगेटिव साइड ही पहले देखते हैं। जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं,
उन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, उन चीज़ों की तरफ देखते हैं, क्या कमियाँ थी इन्हीं को देख रहे हैं, क्या अच्छा हो सकता है इनको नहीं देख रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स जो है ना वो कंफ्यूज है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। कभी खुशी मिलती है सोचकर तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी बहुत अकेला फील करते हैं, कभी याद आता है कि अरे ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है, मजबूरियाँ सामने आ जाती है कि क्यों अलग हुए थे, किस वजह से, क्या क्या रीजंस थे, वही रिकॉल कर रहे हैं, पुराना देख रहे हैं, अफसोस भी है, इमोशनल विड्रॉल भी फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा भी रहे हैं जो शायद बताना ज़रूरी है लेकिन बता नहीं रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो भी है हीलिंग प्रोसेस में है अपने, खुद को हील कर रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। कुदरत कुछ ऐसे रोल प्ले कर रही है कि बार 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 आप इसके सामने आ जाते हो, ठीक है, लाइक आपका नाम सामने आ जाता है, या आप ड्रीम में आ जाते हो, या डिवाइन कुछ ऐसी बातें याद दिला देते हैं जिससे कि आप याद आ जाते हो उस पर्सन को, तो भुला तो नहीं पा रहे हैं। यस, यहाँ पर चांसेस हैं कि बहुत जल्दी कुछ नया शुरू हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, मिरेकल्स होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो फीलिंग्स थोड़ी सी पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, लेकिन हो सकता है कि एक एक्शन ले ले, क्योंकि एस यहाँ से एसिस का कार्ड है ना, तो और यहाँ से नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये शुरुआत करना चाहते हैं, ये खुद से ही शुरुआत करेंगे, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो इतना ही काफ़ी है, हो सकता है कि ये एक एक्शन ले ले, आपके पास आ जाए, सॉरी बोल दें, या कुछ एक नए तरीके से शुरू करने की बात कर दें, तो ये चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। ये इसीलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए तो गुड लक है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। तो अगर आते हैं, आपको बोलते हैं कुछ भी, जैसे भी बात करते हैं आपसे, तो आप फेवर में बात करना इस कनेक्शन के, अगर आपके लिए ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या लेंगे ये पर्सन अपना नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे ये, लेट्स सी, क्या बोलेंगे आपको, क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे, जो भी आएगा आई विल टेल यू। 9 ऑफ कप्स, मे बी अपनी विशेज, अपनी इच्छाएं, क्या चाहता है ये पर्सन ये आपको बताए, क्लियर करे बातें आपसे, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं, या एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्लियर कप लेकर आ रहे हैं आपके पास, अपना प्यार भरा कप, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब आपके साथ शेयर कर सकता है ये पर्सन, जो भी ये लड़का है लड़की है, या द व्हील ऑफ द वर्ल्ड कार्ड अगेन, ये बोलेगा कि यूनिवर्स इसको कुछ ना कुछ ऐसे साइन पैटर्न्स दिखा रहे थे जिससे कि ये आपको भुला नहीं पाए, ये बातें भी कर सकते हैं ये पर्सन। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन अगेन गाइस, वाओ, दिस इज द सुपर डुपर मतलब फैंटास्टिक, ये बहुत ही एक ऐसी चीज हो गई है जो बहुत रेयर ही होती है रीडिंग्स में, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का 2 बार आना एक साथ, तो ये गुड लक, फॉर्चून, ब्लेसिंग्स सब कुछ लेकर आ रहे हैं अपने साथ इस कप में ना, सब कुछ भरकर लेकर आ रहे हैं, कुछ के लिए डेफिनेटली यूनियन हो रहा है, यूनियन ही हो रहा है, डेस्टाइन कनेक्शन वाला यूनियन हो रहा है यहाँ पे, जितने भी जिन जो भी एक एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, तो बहुत जल्दी ये पर्सन यूनिवर्स ही भेज रहे हैं, देखो ना ये मिरेकल है गाइस, ये तो प्योर मिरेकल है जो होने वाला है, ये मिरेकल है आपके लिए, यस ये मिरेकल होगा, जल्दी होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग ही हम नेक्स्ट 48 आवर्स की, ये पर्सन स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन के लिए। वाओ डेवल, क्योंकि ऑब्सेशन है इसे आपको लेकर, ये नहीं भुला पा रहे हैं आपको, ये नहीं भुला पा रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए अगर ये आते हैं तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ये सब स्टार्ट मत कर देना, नेगेटिव बातें करना शुरू मत कर देना, तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, और ऐसे ऐसे क्यों किया, इस तरीके की बातें नहीं करनी, फ्यूचर में क्या करना है अब, ठीक है, यही बातें आप लोगों को करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें करते हो तो अननेसेसरी यहाँ पर डिले हो जाएगा। लेकिन यस, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अब आपका रिश्ता वर्क करेगा, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये रिश्ता वर्क करेगा, द हेरोफेंट, ये मैरिज कार्ड होता है, जिनकी मैरिज हो गई है मुझे लगता है यूनियन हो रहा है, और जिनकी नहीं हुई है मैरिज एक मिरेकल एक आ सकता है आपके पास, मिरेकल कभी भी किसी की लाइफ में हो सकता है,
बट येस, नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत लकी हैं गाइस. और कल तो सावन का फाइनल जो फास्ट है वो भी है. तो येस, मैनिफेस्ट करना कल के दिन कि ये पर्सन, ये रीडिंग ट्रू हो जाए और आपके पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में. क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन, आप जो एफर्मेशंस बोलते हो वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपकी जर्नी को. ठीक है, तो यूनिवर्स आपके साथ है. इसी के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का 2 बार कार्ड आना रीडिंग में, ये मुझे बता रहा है कि गुड लक है आप दोनों के पास. और अबंडेंस, मिरेकल, ये सब आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे. ठीक है, तो गाइडेंस ले लेते हैं कृष्णा जी से. आपको क्या बताएंगे राइट नाउ, क्या कहेंगे आपसे, ये देख लेते हैं. कि ये कार्ड आ रहा है एटर्नल बॉन्ड. एटर्नल बॉन्ड, ये तो अनकंडीशनल लव है गाइस. एटर्नल लव है आपके लिए. मर्ज योर सेल्फ विद इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड एटर्नल एटर्नल ब्लिस. देखिए, यहाँ पर वैसे तो ये कार्ड डिवाइन के लिए है कि डिवाइन के साथ अपनी सोल को मर्ज कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी सोल को मर्ज कीजिए. उनके लिए अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स निकालिए अपने मन से. उनके साथ एक बॉन्ड फील कीजिए जो कि बिल्कुल भी कभी ना टूटने वाला बॉन्ड. ठीक है, ऐसा आप फील करेंगे, जल्दी आपकी वाइब आपके पर्सन तक पहुंचेगी और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ मैं. एक बार ना एंजल आंसर्स भी देख लेते हैं. एंजल हमें क्या बताएंगे, क्या आंसर देंगे, ये भी देख लेते हैं. चलो, ये कार्ड आ रहा है रिकन्सिडर. यस, रिकन्सिडर कीजिए सिचुएशन को. और कुछ भी मिस्टेक जो पास्ट में किया वो रिपीट नहीं करनी है. ठीक है, यस, ये सब कुछ सच हो सकता है. देखो कितना हैप्पी फेस है ना यहाँ पर एंजल का. तो ये एंजल कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो वो बिल्कुल मिल सकता है, आपको विश्वास रखिए. ओके, देखो विश्वास रखिए. इफ यू बिलीव देन डेफिनेटली यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट. ओके, तो गाइस दिस इज योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. चैनल पर अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर.